स्टाइल कैसे हैं आप सब। सो आज मैंने क्रिएट किया है ये ब्यूटीफुल सा रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और ये जो लुक है बहुत ही कम प्रोडक्ट से इजीली मैंने क्रिएट किया है, आप भी इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट नहीं है सो सिमिलर जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उनसे आप ये कर सकते हैं। और ये जो आई लुक है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ है और इसे मैंने 2-3 प्रोडक्ट से हार्डली किया है। सो ये जो वीडियो है उन सारी सिस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस वाले रक्षाबंधन में। सो अगर आप अभी ये मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साइड में एक छोटू सा बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बिना टाइम वेस्ट करिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और ये ब्यूटीफुल सा लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है ये देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, हैंड मॉइस्चराइज कर लिया है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस में प्राइमर। मैं यहाँ पे कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, अच्छे से आपके फेस को पूरी तरह से प्राइम कर देता है। सो मैं इसे अपने पूरे ओवरऑल फेस पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर फाउंडेशन, जो कि स्टिक विकी का फाउंडेशन है, लिक्विड, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये भी। इसे नेक, फेस पूरे में अच्छे से अप्लाई करना है जिससे कि कोई भी पैचेस ना रह जाएँ। और मेरा शेड इसमें 2 है, हनी आई एम गोल्डन। सो इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस नेक में अप्लाई कर रही हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने आईज को कंसील कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है फिटमी का कंसीलर, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा लिक्विड आपको मिल जाता है आई प्राइम। और इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBAE का कंटूरिंग स्टिक, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एक बार में ही आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने मेरे पूरे फेस में अच्छे से कंटूर किया। तो मैं जो भी कंटूरिंग एरिया है, नोज़, चेक्स, सबको कंटूर करूँगी। देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से स्मैच कर लूँगी। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काफ़ी ही रीज़नेबल हैं। आपको अगर ये सेम प्रोडक्ट ना मिले तो कोई और प्रोडक्ट से आप सेम इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वीजी सा मेकअप कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पे मेरी कंटूरिंग कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं फेस पूरा शेप में दिख रहा है। और अपने मेकअप को सेट करने के लिए अब मैं यहाँ पर ADS का बनाना लूज पाउडर ले रही हूँ, जिससे कि अच्छे से मेरा फाउंडेशन सेट हो जाए। और आई मेकअप अब मैं स्टार्ट करूँगी तो आई एरिया को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सो ये मेरा ऑल ओवर लूज पाउडर, नाना लूज पाउडर से भी सेट हो गया मेरा फेस। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज, तो 24 आवर्स मैचिंग का आईब्रोज है यहाँ पे। और ये मैं ब्लैक एंड ब्राउन का शेड है तो दोनों मिक्स करके अपने आईब्रोज में अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईब्रोज अच्छे से फिल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है पैलेट, जो कि है जैकलिन हिल पैलेट, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइज। और एक पैलेट में आप पूरा मेकअप कर सकते हैं, शादी पार्टी, नॉर्मल मेकअप हो, बहुत सारे कलर शेड्स हैं, लाइट डार्क सारे, और बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं इसके बाद ये लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ, जिसे मैं अपने आउटर कॉर्नर में हल्का सा प्लेस करूंगी और इनर की साइड में इसको थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देन इसके बाद मेरे ड्रेस में हल्का गोल्डन कलर है, जो मैं गोल्डन ले रही हूँ, शिमरी गोल्ड है, और इसे इनर कॉर्नर की आईलिड से बाहर की तरफ प्रेस करूंगी और इसे थोड़ा सा डार्क रखना है मुझे। क्रीज लाइन बनाते हुए ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से मेरी आईज़ थोड़ी सी इन्हेंस लगे। सेम कलर लेके मैंने थोड़े स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने वाटर लाइन एरिया में अप्लाई किया है, क्योंकि मैं काजल नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं लाइनर से काम चलाऊंगी। डे मेकअप है जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। और यहाँ पे मैं अगेन बहुत ही सस्ता वाला लाइनर है, ये भी स्टिक विकी का है, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है आपको, और हमेशा ऑनलाइन जब आप परचेस करते हो तो अच्छी खासी छूट में मिलता है। सो ये मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर चलता है, डे मेकअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइनर है ये। देन इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। सो यहाँ पे मैं आई थिंक फिटमी का ये मेरा ब्लश है, सो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, अच्छा खासा पिगमेंटेड है। सो ये मैंने ब्लश अप्लाई किया, और हाइलाइटर के बिना तो मेकअप अधूरा सा लगता है। सो मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है और सेम हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से अपने इनर आईज़ एरिया में थोड़ा सा प्लेस किया है। देन अब मैं यहाँ पे मैक की फॉल्स लेसेस अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि पूरा मेकअप चेंज लुक दिख जाता है अगर आप फॉल्सेस अप्लाई कर लेते हो। डे मेकअप है, थोड़ी सी लाइट फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी फॉल्स लेसेस हैं आप देखेंगे इससे कि पूरा मेकअप बिल्कुल चेंज लग रहा है। देन यहाँ पे मैं फिटमी की लिपस्टिक लगा रही हूँ,
मेरे ड्रेस के मैचिंग के कलर का है इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया। देन यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट होता है और मैंने लॉरियल के मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया है। देन यहाँ पे मैं रेडी हूँ। अगर आपको थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।